सकते हैं ये, बट बड़ी मतलब ना एक अच्छी सी कह सकते हैं वो कैमल ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा है। और ये ऐसे मैंने कैमरा किया, ये जैसे ही अपनी सेल्फी खिंचाने के लिए मेरे पास आ गए हैं। कैमरा राइड शुरू हुई और कब ख़त्म होगी कुछ पता नहीं लगा। आज मैं बड़े ही ना होता ये सब राइडें मैं जरूर ले पाता। चलो कोई बात, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल केदारनाथ बॉय। अज फिर एक नवे ब्लॉग की स्टार्टिंग होगी, जिम्मे थोड़ा क्या लुधियाना के सारे मेले थोड़ा दिखावे। अब पहुंच गया उपकार नगर मेले के और इतने का व्यू बड़ा ही जबरदस्त हो, बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने कह सकते भीड़ है। तो चलो थानू पूरे मेले के नाल पूरे मतलब मेले का व्यू दिखाते हैं। वो मेरे नाल आए हुए हैं काव्या जी, और काव्या जी और मैं थोड़ा पूरे मेले के मतलब व्यू दिखावे। चलो हूँ अगले साल जरा अपना ओलंपिक होना है, उनके जी गनबाजी होनी है, उनके मैं जान लगा जी। ये देखो है 6 पॉइंट मैंने मिलने हैं और 6 से 6 मैं 1 मिनट इदा चुटकिया खत्म कर देना। सीन क्या हुआ है, ये गन से जो अपनी वो गोली है ना मारते ही डायरेक्शन मारते मारते कहीं पर डायरेक्शन कहीं पर जाती है। अभी हम यहाँ दीपक जी के पास आ गए और मेरी फेवरेट गेम जो मैं खेलता हूँ आप लोगों को पता ही है, जिसमें चैंपियन हो वो मैं खेलने लगा हूँ। ये कितने रुपये का भैया एक शॉट? ठीक है जी, 40 रुपये का एक शॉट और 60 रुपये का मिलेगा 300। हाँ अगर एक शॉट में मैं गिरा देता हूँ मुझे 300 रुपीज़ मिलेंगे। चलो मैं ट्राई करता हूँ, एटलीस्ट 2 शॉट तो ट्राई करूँगा ही करूँगा। चलो खेलते हैं। ये फुटबॉल है और फुटबॉल से वो मैंने 5 के 5 मिला, एक शॉट में ही जाएगा, एक शॉट में ही 300 रुपये जो मेले का खर्चा है वो पूरा होने वाला है। अपना लाल किले वाले मेले में भी देखा होगा, उसमें भी एक ही रह गया था, इसमें भी एक ही रह गया। अभी हम गेम खेलने लगे हैं, ये गेम्स में हम कभी भी जीत के नहीं जाते हैं, मतलब 6, 7, 8 मतलब ये जो सामने नंबर लिखे हुए हैं अभी ये नंबर आपके यहाँ पे आएंगे प्लस करके तो आपको जो सामने चीज़ें पड़ी हैं वो आपको इनमें से कुछ भी एक मिलेगी। अब चलो देखते हैं, हमने एक गेम ली है। चलो चलो कैसे फाइव एंड फोर नाइन और वन फिफ्टीन 15 आ गए अब 13 16 19 15 और 3 18 18 हो गए जी। हूँ 6 लैके आवो या 1 लैके आवो, 1 लैके या 6 लैके। चलो जैसे पुराना रिकॉर्ड हमारा चल रहा है वैसे ही ये रिकॉर्ड भी चल पड़ा, इस पर भी हमें कुछ नहीं मिला। पुराना रिकॉर्ड कायम करते हुए कुछ भी नहीं मिला। ये भैया ने हमें फिर यहाँ पे हमें लूट लिया, हम देसी में भी लूट के आए, यहाँ पे भी लूट के आए, अब आगे भी और मेले में भी जाएंगे, गेम में लूट के जरूर आएंगे। हमें फन गेम खेलने लगे और ये गेम में हमारा रिकॉर्ड है, अगर हम 6-7 भी लेते हैं तो उन्हें तो एक आधा हम डाल के जाते ही जाते हैं। चलो अब देखते हैं, हमने अभी 30 के लिए हैं 6 और देखते हैं ये आगे दीप डाल पाते हैं कि नहीं डाल पाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर ये गेम मैंने फन गेम खेली तो इसमें कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, ये तो हर बार एक आधी चीज तो आती। छुप छुप गाड़ी को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया,
जब मैं भी बचपन में छोटा हुआ करता तो हमने ये भी छुट्टू गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा लिया करता था। एक्चुअली इससे एक अलग तरह की ही अटैचमेंट है मुझे। लो बच्चा अंकल को पूछ लो कि अंकल लेना नहीं है। ये हमारे टाइम में नहीं हुआ करते थे, आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। नहीं तो ये भी मतलब ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लग रही है, बच्चे को देख के ना बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे। बट हम तो अब ले नहीं सकते हैं ये, बट बड़ी मतलब ना एक अच्छी सी कह सकते हैं बोट है, और मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अपना बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी राइड्स हैं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार है, सामने भी कार है, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, किश्ती, मतलब यहाँ पे बच्चों के लिए अगर आप आए तो एक अलग से ही उनके लिए एक पिकनिक और उनको अलग से ही एक खुशी मिलेगी। ब्रेक डांस भी है, मतलब यहाँ पे अलग अलग तरह की राइड्स हैं और अच्छा है यहाँ पे। मतलब आप आए, अगर ब्रेसी की जैसा यहाँ पे क्राउड तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे ना हम कैमरा राइड करने लगे हैं, और ये भैया जो हमें कैमरा राइड कराएंगे, भैया कितने पैसे इसके लेते हैं और कितना? ₹50 एक बंदे का है, और मतलब जो यहाँ का राउंड है बस यही मैंने भैया को बोला मुझे समराला चौक तक ले जाओ, भैया कहते नहीं। अभी हम कैमल पे बैठ चुके हुए हैं तो हमें डर तो बहुत सारा लग रहा है, आप देखिए कैसे हम हिल रहे हैं, तो एकदम से मज़ा भी आ रहा है। बाकी चलो यहाँ से आप पूरे मेले का नज़ारा देखो, बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा है। ये कैमल ना बड़ा ही मतलब प्यारा लग रहा है। भैया कैमल का क्या नाम है? ओ भैया नाम क्या है इसका? नाम है राजा। राजा? ओए होए, राजा के ऊपर रानी बैठी हुई है। चलो अभी आई थिंक मुझे लग रहा है इतना छोटा राउंड तो नहीं होना चाहिए, बाकी चलो देखते हैं। बस जो भी है मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे बैठ के, मतलब ना एक अलग सी फीलिंग आ रही है। हमने आपने हमें देखा होगा तो कौन सा मेला था? सरस मेला में हमने कैमरा राइड की थी, उसके बाद यहाँ पे हम कैमरा राइड कर रहे हैं, मतलब अलग तरह का ही एक्सपीरियंस आ रहा है। ये तो गलत गल है यार, इन्ना को आए तो हूँ। अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था, कब गेड़ा शुरू हुआ, कब कैमरा राइड शुरू हुई, पर कब ख़त्म होगी कुछ पता नहीं लगा। चलो बट जो भी है जिस हिसाब से लोकेशन है उस हिसाब से इतना वो भी राउंड ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। पर जो भी है, क्योंकि आप यहाँ पे आते हो आप कैमरा राइड जरूर लेके जाएं, राजा जी की कैमरा राइड पे मज़ा ही आपको लगता रहा था। अभी मतलब ये कैमल ना मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा है, ये ऐसे मैंने कैमरा किया, ये जैसे ही अपनी सेल्फी खिंचाने के लिए मेरे पास आ गए हैं। तो ये भैया हैं जिन्होंने हमें लेके गए हैं, अपना पूरा कैमरा राइड इन्होंने कराई है, मज़ा आ गया। भैया आपका नाम क्या है? सबेल जी इनका नाम है, इनके पास आके आप कैमरा राइड कर सकते हैं, बड़े ही अच्छे इंसान है। ये तो मैं कभी एरोप्लेन में बैठा नहीं हूँ, पर ये एरोप्लेन देख के ना मेरा बड़ा मन कर रहा है। भैया को बोला मैं बैठ जाऊँ, भैया कहते बैठ जाओ, भैया ये नीचे तो नहीं आएगा, बिठा लोगे मुझे? पहले भैया बोल रहे थे हाँ बिठा लेंगे जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, भैया कहते नहीं बिठाएंगे, पर जो भी है हमारे टाइम में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी। अब भाई है, अब देख के एक्साइटमेंट होती है, बट अब हम ले नहीं पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये मेरा ना फेवरेट राइड हुआ करती थी, जब भी मैं जाता था ना ये राइड जरूर लेता होता था। इन बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ रहा है, काश मैं बड़े ही ना होता ये सब राइडें मैं जरूर ले पाता। चलो कोई बात नहीं, अब बड़े भी एक मतलब ज़िंदगी का एक प्रोसेस है, बच्चा बच्चा छोटा है तो उसमें बड़े भी होना है। चलो जो भी है बट अच्छा है ये मतलब ना इन्होंने डेकोरेट इतना अच्छा किया हो कि बच्चे देख के इसको अट्रैक्टिव हो जाए। ये किश्ती की राइड है, और ये राइड भी मतलब काफ़ी अच्छी है, तो मतलब ये ब्रेसी के जैसे ज़्यादा खतरनाक राइड तो नहीं है, बट फिर भी अच्छी राइड है। तो ये सामने चंडोल है, अगर आप यहाँ पे आके चंडोल भी लेना चाहते हो तो चंडोल भी आके लेके जा सकते हो, मतलब आपको एक अलग तरह का ही मज़ा और अलग तरह की एनर्जी आएगी। अभी हमने ये ट्रेन का झूला देखा, लास्ट लोग आपको शायद देखा ही होगा अपने ब्रेसी का, तो उसमें हमने ये राइड जरूर ली थी। अभी भैया से पूछा तो भैया बोल रहे हैं कि आपके लिए नहीं, ये बच्चों के लिए ही है। हमने भी उनसे बोला भाई दिल तो बच्चा ही है रही, पर वो माने नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर हो सका तो ब्रेसी में जाके अगर राइड हमें मिलती हुई तो हम जरूर लेंगे।
साथ आपको खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा, जैसे लाइक यहाँ पे आइसक्रीम है और उसके बाद अपना टिक्की हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आना चाहते हो आप, अगर भीड़ नहीं पसंद करते हो तो उपकार नगर मेले में भी आ सकते हो। यहाँ पे बहुत जैनुअन से मतलब बंदे भी आते हैं, तो यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे राइड्स इंजॉय करिए, खाए पिए और अपना आराम से मेला इंजॉय करके घर चले जाए। चलो बस अब इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे आपको मतलब बहुत सी राइड्स दिखाएं, बहुत सी गेम्स दिखाएं और जो भी है मतलब जो मज़ा देसी मेले का है वो तो नहीं कह सकते हैं, पर यहाँ पे फिर भी आप आगे अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। मतलब अगर आपको भीड़ पसंद नहीं है तो यहाँ पे आप फुल टू मस्ती कर सकते हो। चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपको कोई नए मेले भी लेके जाएंगे, जैसे आपको बोडल बियाना में जितने भी मेले लगते हैं वो सभी मेले आपको दिखाएंगे। चलो ओके, टाटा बाय बाय। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे ट्रिप भी आने वाले हैं। चलो बस अब मिलते हैं आपको किसी नए मेले में। ओके टाटा बाय बाय।